तो दोस्तों स्ट्रेस हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, और स्ट्रेस बहुत सारी वजह से हो सकता है। हमने स्ट्रेस के ऊपर, कॉर्टिसोल के ऊपर पहले एक वीडियो किया है। ये वीडियो स्पेसिफिकली होने वाला है कि आपकी लाइफ का जो स्ट्रेस है उसको आपको कैसे मैनेज करना चाहिए और कैसे नहीं मैनेज करना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ को, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोपिंग स्किल्स, कोपिंग स्ट्रैटेजीज या कोपिंग मैकेनिज्म्स जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्ट्रेस से पीछा छुड़ाने के लिए, और वो हमारे लिए ज़्यादातर काम नहीं करते। तो जब हम वर्ड कोपिंग की डेफिनेशन देखते हैं तो कोपिंग का मतलब होता है कि मैनेज करना उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को, या उसको झेल लेना या उसको ओवरकम कर लेना। ठीक है, तो जब भी स्ट्रेस है तो हमने बात की थी कि स्ट्रेस के अंदर गुड स्ट्रेस होता है, बैड स्ट्रेस होता है। गुड स्ट्रेस है जो आपको परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, पुश करता है। बैड स्ट्रेस है जो आपको ओवर थिंकिंग में पुश करता है, एंशियस बनाता है, और बार बार रेपिटेटिव थॉट्स आती है, वर्स के सिनेरियो के बारे में आप इमेजिन करते हो। तो ये जो बैड स्ट्रेस है इसे हमें कंट्रोल करना है, और जानते हैं कि कैसे कंट्रोल करें। अब बहुत सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस होता है। किसी को उसके फाइनेंसिस बराबर से मैनेज नहीं हो रहे हैं तो स्ट्रेस हो रहा है, रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ के बीच में अनबन चल रही है, या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, बॉडीली प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, इसलिए स्ट्रेस हो जाता है। या किसी किसी को स्ट्रेस होता है कुछ नया काम शुरू करने से पहले, जॉब करने से पहले, एग्जाम अपेयर करने से पहले। तो अलग अलग वेज से जो स्ट्रेस होता है उसे मैनेज करने की जो टेक्निक्स है वो है कोपिंग स्किल्स। ज़्यादातर लोगों को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि उनकी कोपिंग मैकेनिज्म्स फेल हो जाती है उन्हें स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए, या उनके जो इमोशनल डिस्टर्बेंस को मैनेज करने के लिए, और इसलिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है। ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आ चुके हैं उन्हें वापस से रिवाइव करने के लिए। सबसे कॉमन कोपिंग मैकेनिज्म जो लोग यूज़ करते हैं जो उनके लिए काम नहीं कर पाती है पर कभी कभी काम भी कर जाती है, वो है डिनायल। डिनायल का मतलब है कि प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम को भूल जाना, प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करना, और मानना ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। हेल्थ इशू है तो उसको भी ब्रश कर देना अंडर द कारपेट, रिलेशनशिप इशू है तो उसको भी भूल जाना, फाइनेंशियल इशू है तो भी जो हो रहा है होने देना। अब कोई कोई एरियाज में जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो जो डिनायल है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जो फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, आपके हाथ में नहीं है, तो आपको रुकना पड़ेगा जब तक सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होते। पर अगर ये प्रॉब्लम जो है आपके एड्रेस नहीं करने से बड़ी होती है, कोई हेल्थ इशू है, कोई रिलेशनशिप इशू है, कोई पर्टिकुलर इशू है आपकी लाइफ में, और फिर आप डिनायल मोड में हो, तो उसका मतलब है आप प्रोलॉन्ग कर रहे हो ट्रीटमेंट को, प्रोलॉन्ग कर रहे हो सफरिंग को, और उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा भी बढ़ा रहे हो। सेकेंड है प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी कोपिंग स्किल्स के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेस के सिम्टम्स को ना हैंडल करते हुए वो उसकी रूट कॉज को पहचानने की कोशिश करेगा कि ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है। रिलेशनशिप के अंदर अगर इस तरह का तनाव हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या वजह है, क्या माइंडसेट है दोनों का, हस्बैंड और वाइफ का। या कोई फाइनेंशियल इश्यू आ रहा है तो क्यों इतने लोन्स मुझे पे करने हैं, ये सिनेरियो एक दिन में तो नहीं बना होगा। तो उसकी रूट कॉज तक जाना, पता लगाना कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, और उसके रूट कॉज को टैकल करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना, तो अपने आप जो सिम्टम है स्ट्रेस का वो तो चला ही जाएगा। थर्ड है इमोशन फोकस टेक्निक। हर एक स्ट्रेस का एलिमेंट आपकी कुछ थॉट्स लाएगा, फीलिंग्स लाएगा और इमोशंस लाएगा। आपको सैड लग सकता है, आपको रिजेक्टेड लग सकता है, आपको डिप्रेस फील हो सकता है, आपको लोनली फील हो सकता है, आपको फियर फील हो सकता है, आपको गिल्ट फील हो सकता है। तो ये जो सारे इमोशंस है, जो ये अप्रोच है, ये इमोशंस को मैनेज करने के ऊपर काम करती है, ताकि जो आपका जो स्ट्रेस है शायद वो वहीं का वहीं है, उसके सिम्टम्स भी वहीं का वहीं हैं, पर वो आपको इफेक्ट इतना नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर इतना ज़्यादा इमोशंस नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो ये है इमोशनल फोकस टेक्निक। कुछ क्लासिफिकेशन है कोपिंग अप स्ट्रैटेजीज के। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। हर एक पर्सन डिफेंसिव हो जाता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, जब उसकी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाता है, घर वाले हाईलाइट करते हैं, बाहर वाले हाईलाइट करते हैं, या खुद उसे हाईलाइट होता है, तो वो एग्रेसिव मोड में जा सकता है, या वो लोगों से इस बारे में कन्फ्लिक्ट कर सकता है, या वो डिसएग्री कर सकता है उस मामले में। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो पर्सन के माइंड में आता है वो डिफेंस मोड मैकेनिज्म्स में आता है। सेकंड है अडैप्टिव टेक्निक। तो जो स्ट्रेस आ रहा है उसे मैंने मान लिया कि वो मेरी लाइफ का हिस्सा है और मैं उसे झेल रहा हूँ,
मैं उसके साथ लाइफ बिता रहा हूँ, उसको हैंडल करने के बारे में नहीं सोच रहा, उसे ओवरकम करने के बारे में नहीं सोच रहा, बस एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी लाइफ का ये गिफ्ट है, तो ये अडैप्टिव टेक्निक में आता है। थर्ड टेक्निक आती है अवॉइडेंस, वो डिनायल की कैटेगरी में आती है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है जिसको आपको करेक्ट करना है, पर आप अवॉइड कर रहे हो, वो सिचुएशन फेस करने को अवॉइड कर रहे हो, रिलेशनशिप डिस्प्यूट को सॉल्व करना अवॉइड कर रहे हो, फाइनेंशियल मेस से बाहर निकलने को अवॉइड कर रहे हो, वेट गेन हो गया, वेट लॉस करने को, एक्सरसाइज और डाइट प्लान को एम्ब्रेस करने से आप अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो, आपको बाहर नहीं निकलना है। अवॉइडेंस भी एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है जो लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट कोपिंग मैकेनिज्म है अटैकिंग, क्योंकि खुद के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अंदर बहुत सारी एनर्जी है वो ट्रैप हो चुकी है, गुस्सा ट्रैप हो चुका है। वो गुस्सा किस पे निकलेगा? घर वालों पे निकलेगा, माँ बाप पे निकलेगा, बच्चों पे निकलेगा, अपने पार्टनर के ऊपर निकलेगा, बॉस के ऊपर निकलेगा, एम्प्लॉय के ऊपर निकलेगा, आसपास के फ्रेंड्स के ऊपर निकलेगा, और इससे एक इमोशनल वेंट आउट है जो एक रॉन्ग डायरेक्शन में हो रहा है, जो और भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर सकता है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट कोपिंग स्ट्रैटेजी है बिहेवियरल टेक्निक, जहाँ पर आपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस भी है तो स्ट्रेस का इफेक्ट आपको हो रहा है, पर आपके बिहेवियर में लोगों को नहीं दिख रहा है, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हो, तो ये भी एक तरह का सप्रेशन ही है जो कभी ना कभी बाहर निकलेगा, कभी ना कभी बांध टूटेगा, कभी ना कभी वो एग्रेशन बाहर आएगा, क्योंकि आपकी जो कोर प्रॉब्लम है वो वहीं के वहीं अनरिजॉल्व्ड है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव टेक्निक, जहाँ पर आपके जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से फीलिंग्स हो रही है, जिनकी वजह से आप एक्शन या इनएक्शन में इंडल्ज कर रहे हो, या आप सोच रहे हो ओवरथिंकिंग, तो उन थॉट्स को ही मॉडिफाई करना, ये एक बहुत ज़्यादा कारगर टेक्निक है जो काउंसलिंग में की जाती है, जो थेरेपिस्ट आपके लिए करता है CBT या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू। आपकी जो थिंकिंग एरर्स है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है, फॉल्टी थिंकिंग है, उसे करेक्ट करने की कोशिश करना। और लास्ट टेक्निक आती है जो सबसे ही ज़्यादा रॉन्ग टेक्निक है यूज़ करने के लिए, वो है सेल्फ हार्म, या दूसरों को हार्म करना, या वो एग्रेशन अपनी तरफ इंटरनलाइज करना या बाहर चैनलाइज करना, क्योंकि आप वो इशू को एड्रेस नहीं करना चाहते, सॉल्व नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है वो सॉल्व नहीं होगी, आपको लग रहा है वो प्रॉब्लम का सलूशन ही नहीं है, या आपको उसके साथ जीना पड़ेगा, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अंदर से पेन आपके अंदर उठ रहा है, और आपको लग रहा है कि ये पेन को एंड कैसे किया जाए, तो लाइफ एंड करके ही शायद ये पेन एंड होगा, इस तरह की थॉट माइंड में आना, ये भी एक कोपिंग स्ट्रैटेजीज है जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, जो नहीं यूज़ करनी चाहिए। अब कुछ कुछ अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स है, या ऑटोमेटिकली आप कोप करने के लिए तैयार हो जाते हो अपने इश्यू से, क्योंकि सालों से आप इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। नंबर वन जो लोग यूज़ करते हैं वो है इमीडिएटली स्ट्रेस हुआ, चलो बाहर कहाँ जाते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स का यूज़ करते हैं, माइंड हल्का हो गया, शांत हो गया, प्रॉब्लम चली गई, असल में गई प्रॉब्लम नहीं गई, सुबह नेक्स्ट दिन उठोगे वो प्रॉब्लम भी रहेगी, साथ में अल्कोहल ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी, घर के अंदर मेस क्रिएट किया था, वो भी होगा, गिल्ट भी होगी, तो गए थे अपनी प्रॉब्लम को आधी करने और डबल करके आ गए, तो ये कोपिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं करती है। अगर आप ये कोपिंग मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो तो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए एक बेहतर टेक्निक। दूसरा, फूड को अपना दोस्त बना लेना, खाने को दोस्त बना लेना, ओवर ईटिंग करना, और ओवर ईटिंग से आपको लग रहा है आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, शुगरी खा के, फैटी फूड खा के, ऑयली फूड खाकर, मसालेदार फूड खाकर आपको अच्छा लग रहा है, बट एट द एंड आपके पास एक और प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने के लिए, वो है आपका वेट गेन, आपकी हेल्थ खराब होना, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना बॉडी में, और फिर आप उसके लिए भी स्ट्रेस करोगे, फिर आपकी बॉडी इमेज इश्यूज हो जाएंगे, फिर आपको उसका भी स्ट्रेस आएगा, तो ये भी एक रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म है। फिर नेक्स्ट आता है कि लोगों से विड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे जीनी है, किससे बात नहीं करूँगा, अलग हो जाऊँगा, मुझे ही झेलना है, मेरी लाइफ है, डेस्टिनी है, सफरिंग है, तो इस तरह की थॉट रखना, लोगों से अलग हो जाना, बात करना बंद कर देना, ये भी रॉन्ग कोपिंग स्किल है, क्योंकि इससे भी आपकी प्रॉब्लम वही के वही है। इसलिए आप एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम ढूंढिए, वो एक काउंसलर हो सकता है, थेरेपिस्ट हो सकता है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाओ। और नेक्स्ट जो कोपिंग स्किल जो फॉल्टी है, जैसे मैंने डिस्कस किया, खुद को हार्म करने की कोशिश करना बिल्कुल ही फॉल्टी है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। और नेक्स्ट है एग्रेशन, दूसरों की तरफ गुस्सा दिखाना, जो लोग आपकी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार भी नहीं है, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ जिम्मेदार नहीं है, हस्बैंड जिम्मेदार नहीं है, बच्चे जिम्मेदार नहीं है, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उनके ऊपर गुस्सा निकालना, उनको डोमिनेट करना, ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर, जो आपके लिए आगे खड़ी रहेगी इसको टैकल करने के लिए, इसलिए ये भी आपको अवॉइड करना है। तो क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज आपको यूज़ करनी चाहिए जो आपको
आपके स्ट्रेस से बाहर लेके आ सकती है। नंबर वन टेक्निक मैं आपसे कहूंगा एक्सरसाइज। आप बोलोगे यार क्या झंझट में डाल दी एक्सरसाइज, बोल दिया यहाँ बेड से उठने नहीं होता, इतने डिप्रेस्ड है, कैसे जाएंगे नीचे, कैसे एक्सरसाइज करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, पहले से बॉडी इमेज खराब है, कैसे लोगों को फेस करेंगे, सोशल एंजाइटी है, ये क्या टेक्निक बता दी। पर अगर आप मेरी बात मानो तो जो एक्सरसाइज है आपके ब्रेन के जो न्यूरोकेमिकल्स है उसको वापस से बैलेंस करने में हेल्प करती है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, बाकी भी जो न्यूरोकेमिकल्स है न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो भी रिलीज होते हैं अच्छी मात्रा में। आपका स्ट्रेस केमिकली जैसे आप दवाइयों से ठीक करते हो उस लेवल तक भी ठीक हो सकता है अगर आप एक घंटा अपनी बॉडी को रोज दो, स्वेट आउट करो, एक्सरसाइज करो और अच्छे से पसीना बहाओ और अपने माइंड को रिलैक्स कर पाओ। अब आप बोलोगे कि घर से बाहर जाने नहीं हो रहा क्या करें, तो सिंपल टेक्निक मैं आपसे कहूँगा आप घर के अंदर ही, ठीक है, घर के अंदर आपकी बिल्डिंग के अंदर आपके पास स्टेयर्स है, ठीक है, स्टेयर्स को चढ़िए ऊपर उतरिए 10 बार करिए। आप घर के अंदर ही सिटअप्स कर सकते हो, घर के अंदर ही आप डिप्स या पुशअप्स कर सकते हो, घर के अंदर ही आप स्किपिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो अपनी प्लेस के अंदर, कोई भी एक्सरसाइज। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होने लगे तो आप जिम ज्वाइन कर लेना, पर आपको रोज़ 45 मिनट्स टू वन आवर अपनी बॉडी को देना है एक्सरसाइज करने के लिए, ये तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना है तो। दूसरा नंबर एक्सरसाइज के साथ आएगा हेल्दी ईटिंग। तो आप एक तरफ एक्सरसाइज कर रहे हो साथ में मैकडोनल्ड्स और स्विगी से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, कंफर्ट सीक कर रहे हो फूड के अंदर, नहीं हो पाएगा। आपको धीरे 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 हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, धीरे धीरे चीट मील्स को कम करना पड़ेगा और अच्छी मील्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आपका जो माइंड है वो ऑप्टिमम परफॉर्म कर पाए। हमने एक वीडियो और किया है न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, पर आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी लेके आनी पड़ेगी। थर्ड, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करना शुरू करिए। कब तक आप उस प्रॉब्लम को छुपा के रखोगे, संभाल के रखोगे, जैसे कि बहुत बड़ा कोई गिफ्ट है, कोहिनूर डायमंड हो गया, क्या आप अपने उसको संभाल के रख लिया, इतने सालों से उस प्रॉब्लम के साथ जी रहे हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, बस अपने संभाल के रख दिया है, नहीं, उससे बात करिए। अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपकी फैमिली के अंदर तो कोई एक प्रोफेशनल काउंसलर को विजिट करिए और बताइए कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में स्ट्रेस ला रही है और उसका क्या रूट कॉज हो सकता है, ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिल पाए। फिर जैसे मैंने कहा था कि प्रॉब्लम को कवर अप करने से अच्छा है कि प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उसको सॉल्व करना, ये प्रॉब्लम जहाँ से आ रही है उसको सॉल्व करना, चाहे आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम मैनेजेबल नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकती, आपको लाइफ कोच या काउंसलर हेल्प कर सकता है उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए और रूट से सॉल्व करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, और रिलैक्सेशन के अंदर है आपकी ब्रेथ से ज़्यादा रिलैक्सिंग, स्लो ब्रीदिंग से ज़्यादा रिलैक्सिंग और कुछ नहीं हो सकता है। और आपने 100 बार 1000 बार सुना है कोई आपको बोल रहा है कि अनुलोम विलोम करो, कोई बोल रहा है कपाल भाती करो, कोई बोल रहा है ये पर्टिकुलर मेडिटेशन करो, ये सब कितने टाइम से बोल रहे हैं, बहुत बोरियत होगी इनको सुन सुन के, पर सच्चाई ये है कि आपको अपनी ब्रेथ को कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा, स्लो और डीप ब्रीदिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेडिटेशन किसी भी प्रकार का या म्यूजिक मेडिटेशन या गाइडेड मेडिटेशन जो भी आपके लिए यूजफुल है आपको लाइफ के अंदर लेके आना पड़ेगा, इसके बिना तो आपका स्ट्रेस विदाउट मेडिसिन मैनेज होने वाला नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपकी भी लाइफ में स्ट्रेस है, अरे होगा क्यों नहीं, मेरी लाइफ में भी स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस से बचा हुआ नहीं है, और हम सभी को स्ट्रेस फ्री लाइफ से ज़्यादा ज़रूरत है कि स्ट्रेस के साथ को एग्जिस्ट करना, स्ट्रेस के साथ रहना और उसे अफेक्ट नहीं होना, ये सीखना पड़ेगा। स्ट्रेस के बिना वाली लाइफ में तो आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं होगा, ठीक है, परफॉर्म करने का अगर स्ट्रेस नहीं है, जॉब जाने का अगर स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, अपनी नीड्स मीट करने का स्ट्रेस नहीं है तो कौन काम करेगा, सब घर पे बैठेंगे आराम से नेटफ्लिक्स देखेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। इसलिए स्ट्रेस ज़रूरी है, अननेसेसरी स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है, और स्ट्रेस का इम्पैक्ट है वो ज़रूरी नहीं है आपकी माइंड और बॉडी के ऊपर। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट अपनी लाइफ में लेके आइए और ज़रूर एक प्रोफेशनल को, लाइफ कोच को, काउंसलर को, थेरेपिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को और ज़रूरत पड़े तो साइकेट्रिस्ट को भी विजिट करिए। कोई स्टिग्मा नहीं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपका माइंड, आपका ब्रेन आपकी बॉडी का पार्ट है। हाथ दर्द हुआ डॉक्टर के पास जाएंगे, पैर दर्द हुआ ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, पेट दर्द हुआ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम है आप उस डॉक्टर के पास जा रहे हो। माइंड की प्रॉब्लम है तो वो अनएक्सेप्टेबल क्यों है, अरे माइंड भी तो इतना काम कर रहा है आपकी बॉडी के साथ साथ में, तो उसको भी रेस्ट की रिक्वायरमेंट है।
उसको भी रिकवरी की रिक्वायरमेंट है, और इसलिए उसकी केयर करिए, मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिए। मेंटल हेल्थ है तो ही बाकी की सारी हेल्थ है। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।